मेला का दृश्य चल रहे हैं आप कलाकारों के लिए एक बार जोर से तालियां हो जाएं आप सबका आपके अपने मंदिर में बहुत बहुत स्वागत है आपके मंदिर की पहचान बन चुकी रामलीला का शो पिछले 10-12 सालों से नॉर्थ अमेरिका में आपका ही मंदिर है जिसमें रामलीला का शो दिखाया जाता है रामलीला के डायरेक्टर अरविंद एरी जी हर साल खूब मेहनत करते हैं हर साल इस शो को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं और जंग कलाकार नए कलाकार लेके आने की कोशिश करते हैं हर साल कुछ नया दिखाने की कोशिश करते हैं मैं बीसीएसए परिवार की तरफ से धन्यवादी हूँ अरविंद एरी जी का सभी पार्टिसिपेंट्स का जो रामलीला के पिछले 2 महीनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं धन्यवादी हूँ सभी वॉलंटियर्स का रामलीला प्रोग्राम स्पॉन्सर्स का जो हमारी समय समय पर फाइनेंशियल हेल्प करते हैं मैं धन्यवादी हूँ सभी कलाकारों का जो काफ़ी लंबे समय से दो महीने से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं धन्यवाद हूँ साउंड सिस्टम मिस्टर अल क्रीम जी का बैकग्राउंड सिंगिंग के लिए डॉक्टर कमलजीत गिल बीना शर्मा अमरजीत कौर मुन्ना गौपन राहुल चौहान केश अपारा जी का म्यूजिक सिस्टम के लिए संजय देशपांडे जी का हरीश प्रसाद जी का बलजीत कलछी राम कमल जी का स्लाइड शो जो आपने देखा बहुत ही सुंदर स्लाइड शो बनाया हुआ है अरुण अरोड़ा जी और सिने अरोड़ा जी डेकोरेशन के लिए राजेंद्र जेतली और सोनी भाई का और सभी वॉलंटियर का जो स्टेज के पीछे मेकअप का काम कर रहे हैं और स्टोर्स वाला हुआ है बहुत से काम हैं जो आपको नज़र नहीं आते लेकिन एक बहुत ही बड़ा टीम वर्क है जो रामलीला के डायरेक्टर अरविंद एरी जी की डायरेक्शन में पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं धन्यवाद हूँ मीडिया के सदस्यों का रंजीत खेड़ा जी फिल्म गोसानी जी जो समय समय पर हमेशा मंदिर के हर छोटे बड़े प्रोग्राम को कवर करते हैं आज का प्रतिबोध अमोल एंड रिकी फैमिली की ओर से आयोजित किया गया है श्री प्रभु राम जी और हनुमान जी की दया दृष्टि हमेशा अमोल एंड रिकी फैमिली पर बनी रहे और भगवान उनकी सभी कामनाएं पूरी करें कल आपके मंदिर में 10:30 से 11:30 बजे तक संकीर्तन होने जा रहा है और भजन संकीर्तन करने इंडिया से जाने वाले संगीतकार आसिफ जैरिया एंड संगीता कुलकर्णी जी आए हैं भजनों का आनंद लेने के लिए आप जरूर 10:30 बजे से 10:30 बजे मंदिर में पहुँचे जैसे कि आप जानते हैं कल मंदिर के पार्किंग लॉट में रावण दहन के साथ दशहरा भी मनाएंगे बहुत अच्छा लग रहा है बहुत से बच्चे आज रामलीला देखने आए हुए हैं प्लीज़ बच्चों को जरूर बताएं क्यों हम रामलीला मनाते हैं दशहरा क्यों मनाते हैं और कल भी बच्चों को जरूर लेकर आइएगा रामलीला दशहरा देखने के लिए